बड़ी खबर आ रही है कुपवाड़ा से, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। एलओसी पर आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा। ललकारने पर आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने फायरिंग का जवाब दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। एलओसी पर आतंकियों को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है। ललकारने पर आतंकियों ने भी स्पीच बैकफायर किया है, सुरक्षा बलों ने फायरिंग का जवाब दे दिया है। इस बीच इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो कि अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन फिर भी आतंकी अपनी हरकतों को तेज करने की कोशिश करते हैं। एलओसी से घुसपैठ करने की कोशिश भी की जाती है और एलओसी पर आतंकियों को मुठभेड़ में ये करारा जवाब दिया गया है। आतंकियों ने जो फायरिंग की थी और यहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, इसकी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 90 सीटों पर हो रहे मतदान के लिए सुरक्षा के बेहद चौकस इंतजाम है। कई पोलिंग बूथों पर अभी से ही कतार लग गई है। मतदान के लिए प्रदेश में 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 62.74% मतदान हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को राज्य की सत्ता पर 10 साल बाद वापसी की उम्मीद है। चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के केस में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली। ममता सरकार को अल्टीमेटम देते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से साफ कहा, 24 घंटे में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे। डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी हड़ताल खत्म हो रही है, लेकिन धर्मतला में विरोध प्रदर्शन बरकरार रहने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया। राजस्थान के बारा में मोहन भागवत ने कहा, भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, अब इसे और अधिक प्रगतिशील, सक्षम और मजबूत किया जाना चाहिए। 3 दिन के दौरे पर बारा पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने संघ के सभी क्षेत्रीय सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान भागवत ने शाखा से समाज को जोड़ने का सूत्र बताते हुए कहा, अपरिचित से परिचय बढ़ाना, परिचित को मित्र बनाना और मित्र को स्वयंसेवक बनाना चाहिए। रोज शाखा से ही समाज के लिए योग्य स्वयंसेवक निर्मित होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र के दौरे का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी आज कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण और इसके साथ ही राहुल छत्रपति साहू जी महाराज की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर की बात है जब 12:30 बजे राहुल पहुंचेंगे संविधान सम्मान सम्मेलन में संबोधन करने के लिए, और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अलावा महाविकास आघाड़ी के नेता भी शामिल होने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक 15 से 16 अक्टूबर को होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान जाएंगे। शंघाई कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तरीय वार्ता और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी। News.